कि अचानक उत्थे उन्हां दी मौत हो गई। अज उन्हां दी डेड बॉडी 22वें दिन कल्याल पहुंची है, पर 22 दिन जो परिवार से बीती है, नगर से बीती है, बहुत माड़ी गल है। मैं तो सिर्फ इन्ना ही कह सकता, परमात्मा सामने अरदास ही कर सकते कि परिवार नू है पाना बंदा बल बख्शन हो रहे, तो कुछ नहीं इस मुद्दे पर आप कह सकते। साढ़े इलाके के बलाल पिंड का दलवीर सिंह जो कि 24 साल की उम्र सी, 1.5 साल पहले ही अपने चंगे भविख लिए कनेडा गया सीगा, पर उत्थे एक भयानक हादसे दे विच वो अकाल चलाना कर गए। तो इलाके की संगत पहुंची है, बड़े दुख की घड़ी है सारे इलाके लिए। इकट्ठ दस रहा कि बहुत माड़ी घटना वापरी है, नौजवान का जाना साढ़े लिए बहुत दुखदायी है। पंजाब के भवानीगढ़ शहर के नेड़े पिंड बलियाल के रहने वाले दलवीर सिंह की अंतिम ते 22 दिन बाद कैनेडा तो पिंड पहुँच गई है। पिछले दिन ही कैनेडा के कैलगरी हो एक भयानक सड़क हादसे च पिंड के दो नौजवानों की मौत की खबर आई सी। उत्थे जिला संगरूर के भवानीगढ़ के पिंड बलियाल के रहने वाले दलवीर सिंह की मौत हो गई सी। जानकारी दिंदिया पिता सुखदेव सिंह ने दसिया कि दलवीर सिंह साडा एक लौता सहारा से, लगभग 20 महीने पहला वह पढ़ाई करन दे लई कैनेडा गया सी ते ओंटारियो दे मिसिसागा शहर च रहिंदा सी। पिछले दिन ही 12 अप्रैल नूं जानकारी मिली कि एक भयानक सड़क हादसे च दलवीर ने अपने दम तोड़ दिता। इस जानकारी मिलने तो बाद दलवीर की देह नूं पंजाब लियाउण दे लई केंद्र सरकार दे वल्लों भी गुहार लाई जा रही सी, जिसके चलदे हुण 22 दिनां दे लंबे समय तो बाद उसकी देह पिंड लियाई गई है। दलवीर सिंह दी जदों मृतक देह पिंड पहुंची तो पिंड वासियां ते कई सियासी लीडरां दे वल्लों पहुँच के नमकां दे नाल संस्कार किया गया। इस वेले सड़कां ते आ के पिंड वासियां ने अपना अफसोस जताया। तुसी तस्वीरां ही देख सकते हो कि एक नौजवान पुत जदों मापियां दा इस दुनिया तो चला जांदा है तो सिर्फ एक घर नूं ही नहीं, हर एक घर नूं, उस पूरे पिंड नूं, उस पूरे शहर नूं बेहद फर्क पैंदा है। ते संगरूर दे इस पिंड दे विच लोकां ने एकजुट हो के जदों सड़कां ते आ के इस परिवार की हौसला अफसाई की, जदों इस परिवार नूं सहारा दिता, तो यह गल सब दे सामने देखण नूं मिली। दूजे पासे तुहानूं इह जानकारी भी दे दिए कि दलवीर सिंह कलेर दे मापिया ने लखां रुपए का कर्जा लैके उसनों कैनेडा भेजा सी। हुण जदों पढ़ाई मुकम्मल हो गई सी तां उह वर्क परमिट के मगरों कैनेडा च पक्के होण दा वेला आया तां इह भाणा वरत गया। सडबरी के कोनाडोर कॉलेज च पढ़े दलवीर सिंह कलेर की मौत बारे उसके दोस्तों अते अध्यापकों नूं सब तो पहला पता लग्या तां उहनां नूं यकीन ही ना होया। कॉलेज की अध्यापक सौरभा ने तो इह तक कह दिता कि एक इन्ना मेहनती मुंडा उह कदे वी पढ़ाई तो नहीं टलदा वेख्या सी। दलवीर सिंह कलेर का सारा परिवार पंजाब रहिंदा सी अते उसके दोस्तों के वलों उसकी मौत होने तो बाद एक गोफंडमी पेज शुरू किया गया ताकि उसकी देह नूं पंजाब भेजा जाए। दूजे पासे पिंड वासियां ने भी इत्थे पूरी एकजुटता दे नाल सरकारां नूं अपील की, सरकारां दे दर दर ते उह गए तां जो इस परिवार नूं उसके पुत का आखिरी वार चेहरा देखण नूं मिल सके। बहुत माड़ी घटना वापरी है। साढ़े पिंड का नौजवान दलवीर सिंह कुटी जो अपने सुनहरी भविख लिए बाहर कनेडा गया सीगा, ते अचानक उत्थे उन्हां दी मौत हो गई। अज उन्हां दी डेड बॉडी 22वें दिन कल्याल पहुंची है, तो सारे इलाके दे विच सोग दी लहर है। बहुत माड़ी घटना सर। इहदे विच चलो आपां दस तां नहीं सकदे, पर 22 दिन हो गए, सरकारां नूं चाहिंदा है भी ये डेड बॉडी जदों उत्थे पता लग गया सीगा भी हादसा हो गया तां परिवार नूं 5-4 दिनां दे विच ही देनी सी, पर 22 दिन जो परिवार से बीती है, नगर से बीती है, बहुत माड़ी गल है। घटना वापरती है तो वो जल्दी डेड बॉडी परिवार में लगातार, क्योंकि पंजाब की नौजवान पीढ़ी बाहर भी जा रही है, पर उत्थे उन्हां दी देखभाल दे विच भी किते ना किते लगता पंजाब सरकार नहीं है, केंद्र सरकार की अहम रोल होना चाहिए। ये केंद्र सरकार का बनता है जी, विदेश मंत्री नूं चाहिए कि जे इदां दा कोई हादसा, चलो हुण घट नौजवान ने, हुण ज़्यादा घटना वापरनी है, सो डेड बॉडी जल्दी तो जल्दी इत्थे करनी। ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ
ਪਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਲਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ। ਇਕੱਠ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।